दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? तो आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष मंडल में। फिलहाल सामने अपने हैं मारुति सुजुकी बलेनो का डेल्टा वेरिएंट। भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है और वैल्यू फॉर वेरिएंट है भाई। इसमें काम की सारी चीज़ें मिल जाती है हमें इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप बलेनो डेल्टा लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। इससे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे इस तरीके की वीडियो को सबसे पहले पहुँचेगी। भाई बात करते हैं गाड़ी के सारे फीचर्स के बारे में, एक एक करके स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिलहाल अभी मैं आया हूँ मारुति सुजुकी निमाड़ मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नेक्सा शोरूम खरगोन मध्य प्रदेश। बात फिलहाल सामने अपने हैं मारुति सुजुकी बलेनो का डेल्टा वेरिएंट। भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर वेरिएंट है, क्योंकि भाई जिस प्राइस में हमें गाड़ी मिल जाती है उसमें हमें सारे काम के फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के साथ में। भाई एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं और गाड़ी के एक एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाले कि क्यों गाड़ी ये लेना चाहिए, बलेनो डेल्टा ही क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चौड़ाई की, तो ये मिल जाती है हमें 1745 mm हमें गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है। भाई जो चौड़ाई है ना 1745 mm हमें गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है। सब फॉग लैंप पर नहीं मिलते, लेकिन फॉग लैंप की हमें हाउसिंग मिल जाती है जिससे हम आफ्टर मार्केट या आफ्टर शोरूम पर लगवा सकते हैं एसेसरीज के तौर पर। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो एक अच्छा खासा लुक दे रहा है गाड़ी को। लेकिन ये हेलोजन बल्ब के साथ ही हमें येलो लाइट मिलता है इस गाड़ी के हेडलैम्प में। चलते हैं साइड में तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बीच में सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है जो बहुत अच्छा एक बड़ा लुक दे रहा है गाड़ी को सामने से। और ये सुजुकी का जो लोगो है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर हमें पूरी तरीके से क्रोम का उपयोग किया गया, आप देख सकते हो जो एक स्माइली फेस बना रहा है गाड़ी को और एक अच्छा खासा लुक दे रहा है गाड़ी के फ्रंट को। बात करते हैं गाड़ी की ग्रिल की, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वे पैटर्न पे गाड़ी की हमें रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं भाई इस तरीके से भाई सामने का पूरा लुक कवर होता है। ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ दो वाशर मिल जाते हैं यहाँ पर और दो वाइपर मिल जाते हैं ऊपर। इस तरीके से भाई पूरा लुक कवर होता है गाड़ी का फ्रंट, आप देख सकते हैं भाई। इस तरीके से हमें गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गाड़ी के टायर प्रोफाइल की, तो हमें कुछ इस तरीके से गाड़ी का टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे तो 185/65R15 inch का हमें यहाँ पर टायर मिल जाता है स्टील रिम के साथ में। और इस वेरिएंट में हमें व्हील कवर भी मिल जाते हैं जो अंदर रखे हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये रखे हैं गाड़ी के अंदर व्हील कवर। बात करें गाड़ी के ओरिजिन की, तो यहाँ पर हमें बॉडी कलर ऑरेंज मिल जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के तो डोर हैंडल में बॉडी कलर मिल जाते हैं, पीछे वाला भी बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है। बात करते हैं सामने तो यहाँ पर ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर हमें पूरे ब्लैक कलर मिल जाते हैं जो एक अच्छा खासा लुक दे रहे हैं गाड़ी के साथ में। यहाँ पर हमें क्वार्टर कलर थोड़ा छोटा मिल जाता है, पहले की बलेनो और आपकी बलेनो में थोड़ा चेंजेस किया गया है। पहले के बलेनो का जो शेप था ना यहाँ पर एकदम सीधा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेंड करके बनाया गया है जिससे एक अच्छा खासा लुक मिल रहा है इस गाड़ी के साथ में। गाड़ी की लंबाई की, तो ये मिल जाती है 3990 mm, मतलब 3990 mm गाड़ी की हमें लंबाई मिल जाती है। बात करते गाड़ी की ऊंचाई की, तो 1500 mm हमें गाड़ी की ऊंचाई मिल जाती है। बात करते गाड़ी के व्हील बेस की, तो ये मिल जाता है हमें 2520 mm हमें गाड़ी का व्हील बेस मिल जाता है भाई यहाँ पर। बात करते गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये मिल जाता है 170 mm हमें गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट में हमें यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे हमें यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं भाई। इस तरह से गाड़ी का साइड लुक भी पूरा कवर्ड होता है। कि फ्यूल टैंकर की, तो भाई ये मिल जाता है हमें 37 लीटर का मिल जाता है। कि रियर प्रोफाइल में, तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी का रूफ से, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें माइक्रो एंटीना मिल जाता है, साथ में हमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है। इसी के अंदर हमें यहाँ पर हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप इंसर्ट किया गया है जो LED बल्ब के साथ में आता है। यहाँ पर हमें डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर का कंट्रोल्स नहीं मिलते यहाँ पर हमें। चलते हैं नीचे तो हमें यहाँ पर बलेनो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। रियल टेल लैंप की, तो यहाँ पर हमें सिग्नेचर कट में रियल टेल लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट यहाँ पर हमें LED के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर बल्ब के साथ मिल जाता है, साथ में रिवर्स लैंप भी इसी के साथ में हमें यहाँ पर मिल जाता है। चलते हैं नीचे तो यहाँ पर हमें बॉडी कलर्ड बम्फर मिल जाता है, इसी के अंदर यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर का उपयोग किया गया है। यहाँ पर साथ में हमें 4 रिवर्स पार्किंग पॉइंट मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 पार्किंग मिल जाते हैं। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और उसके लिए चाहिए हमें गाड़ी की की। तो भाई कुछ इस तरह के समय गाड़ी की मिल जाती है, आप देख सकते हो जो नॉर्मली हमेशा हर गाड़ी के साथ में हमें मारुति की मिलती है, और कई सालों से गाड़ी इस की को अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें लॉक और अनलॉक के यहाँ पर स्विच मिल जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर हम गाड़ी को लॉक करते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई कुछ इस तरीके से गाड़ी का हमें डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक कलर का उपयोग किया गया है डबल टोन के साथ में, गाड़ी का डोर हम ट्रिम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ब्लैक और ब्लू कलर का एक अच्छा खासा यूज़ किया गया है। यहाँ पर हमें हॉट टॉप मिल जाता है, यहाँ पर सॉफ्ट टॉप मिल जाता है,
जो एक अच्छा खासा फील देता है हमें यहाँ पर गाड़ी के साथ में। यहाँ पर हमें डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिल जाता है, यहाँ पर लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर RVM को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पर फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पर लॉक अनलॉक साथ में विंडो को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हमें स्विच मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड जो डोर हो विंडो है इससे हम ऑटो अप नहीं मिलता, केवल ऑटो डाउन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें गाड़ी का केबिन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट केबिन है, चलते गाड़ी के तो ये गाड़ी का रियर केबिन है। इस तरीके से हमें गाड़ी का फ्रंट और रियर केबिन देखने को मिल जाता है गाड़ी के ड्राइवर सीट की। तो भाई यहाँ पर गाड़ी पहले हम इंसर्ट को ऑन करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की हम ड्राइवर सीट की, तो यहाँ पर हमें थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो अच्छा खासा हमें गाड़ी का थाई सपोर्ट मिल जाता है। साथ में हमें यहाँ पर जो बैक सपोर्ट दिया गया ये भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि ये सेकंड बेस्ट वेरियंट है। ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से बैक को एडजस्ट कर सकते हैं सेवर की सहायता से। अब इस तरीके से हमें कुछ चारा डैशबोर्ड देखने को मिल जाए। सबसे पहले इसे हम बंद करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर हमें टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता, बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, स्पीडोमीटर टेकोमीटर मिल जाता है, बीच में कैमरे मिल जाती है, चार एसी कैमरे मिल जाते हैं। बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर हमें म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, ड्राइवर साइड यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक लैंप मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टिकट होल्डर, इधर मिनट वेट मिल जाता है, यहाँ पर IRVM मिल जाता है मैनुअल, यहाँ पर चार एसी इवेंट मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, यहाँ पर कुछ जगह मिल जाती है, यहाँ पर दो बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर गियर लेवल मिल जाता है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन साथ में, यहाँ पर हमें ब्रेक पेडल मिल जाते हैं ABC, यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है, इसके ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है, और चारों डोर पर हमें स्पीकर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमें टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर इंफोटेनमेंट, यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। इस तरीके से चलते हैं गाड़ी के। अब रियर प्रोफाइल में जो करते हैं बंद, बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में, कुछ इस तरीके से हम यहाँ से ओपन करते हैं। भाई इस तरीके से गाड़ी के डोर ट्रिम की बात करते हैं रियर में, तो यहाँ पर हमें बात करते हैं गाड़ी के रियर डोर ट्रिम की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से डोर ट्रिम मिल जाता है ब्लैक और ब्लू कलर में, ये भी सॉफ्ट टच के साथ मिल जाता है। यहाँ पर हमें पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है। चलते हैं भाई रियर में, तो यहाँ पर हमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर बीच में भी हमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें अच्छे से थाई सपोर्ट मिल जाता है, तीन लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। साथ में हमें 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। यहाँ पर हमें आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, वही यहाँ पर ग्रिप हैंडल मिल जाता है कुछ चारों तरफ, यहाँ पर एक हमें एक रियर केबिन के लिए भी यहाँ पर क्लैंप मिल जाता है। इस तरह से भाई गाड़ी का रियर केबिन भी पूरा कंप्लीट होता है। हम बूट की तो इसमें 318 लीटर का हमें बहुत बड़ा यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है इस गाड़ी के साथ में। अगर हमें अपना बूट स्पेस बढ़ाना हो तो यहाँ पर हमें इन सीट को फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर हमें 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हम गाड़ी की सीट को फोल्ड कर सकते हैं और अपने बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं गाड़ी के स्पेयर टायर की, यह मिल जाता है हमें अंदर, यहाँ पर ये मिल जाता है हमें 185/65R15 का, हमें यहाँ पर स्पेयर व्हील मिल जाता है, स्पेयर टायर मिल जाता है। इस तरह से भाई बूट भी पूरा कवर होता है। आप देख लेते हैं गाड़ी के इंजन को, उसमें मिल जाता है 1.2 लीटर गैस रिच का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 1200 cc साथ में आता है, साथ में चार सिलेंडर मिल जाते हैं इस गाड़ी साथ में। 88 BHP का हमें इसमें पावर मिल जाता है। टॉर्क की बात करते हैं तो मिल जाता है 113 Nm का हमें टॉर्क मिल जाता है। बात करते हैं गाड़ी सिलेंडर की, चार सिलेंडर मिल जाता है और माइलेज मिल जाता है 20-21 km का हमें अच्छी खासा इसमें माइलेज मिल जाता है। भाई इस गाड़ी मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो मिल जाता है हमें ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, इससे तमाम सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग्स, हाई स्पीड अलार्म सिस्टम, फिर सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। इसके बाद बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो ये मिल जाती है हमें 7,45,000 रुपये में। फिलहाल अभी मैं आया हूँ मारुति सुजुकी निर्माण मोटर्स रिक्शा शोरूम खरगोन जैतापुर, ये मिल जाती है हमें यहाँ पर 8,51,000 रुपये के लगभग मिल जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।